फ्रेंड्स, हम सब आजकल बहुत मीठा खा रहे हैं, गर्मी भी इतनी है कि इस मीठे के साथ कुछ तो चाहिए जो फ्लेवरफुल लगे और मजा आए खाने में। आइए आज आपको मैं सिखाती हूँ टमाटर से ठेचा बनाना, जो हमारे यहाँ अक्सर बनता है और बहुत मजा आता है इसको खाते हुए। सो इस झटपट बनने वाले ठेचे के लिए आपको चाहिए कुछ मिर्ची, कम तीखी वाली लेनी है तो आप ये ले सकते हो, तीखी वाली चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। तो मैंने 7 से 8 मिर्ची धो के और ऐसे बड़े पीसेस में कट कर लिया। मैंने एक बड़ा टमाटर लिया, उसको पीसेस में कट किया। हल्की सी आपको कोथमीर चाहिए, एक 15-20 लहसुन की कलियाँ चाहिए और जीरा बहुत थोड़ा, नियर अबाउट 1 टीस्पून, मोर देन इनफ। और 3-1 टेबलस्पून हमको मूंगफली चाहिए। मूंगफली आपको डालना है, डालिए, नहीं डाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम पैन में लेंगे जस्ट 1 टीस्पून ऑफ ऑयल, और हम डालेंगे ये मिर्ची। और इसको रोस्ट करेंगे। जब तक इसके ऊपर हल्के हल्के डाग ना आ जाए तब तक आप इसको रोस्ट करोगे। देखिए हल्के डाग आना स्टार्ट हो गए हैं। मैं इसमें डालूंगी जीरा, और लहसुन, ये देखिए आपको दिख रहा होगा मिर्ची को बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं ना, फ्राई होना स्टार्ट हो गई है या इस पर स्पॉट्स आ गए हैं। अब मैं गैस को स्विच ऑफ कर रही हूँ। उसी पैन में हम लोग फिर से हल्का सा तेल लेंगे, और टोमेटो सौते करेंगे। अब इसमें हम धनिया ऐड कर देंगे जो हमने धो के काट के रखा था। और सादा नमक लेने से अच्छा है कि आप इसमें थोड़ा सा मोटा वाला जो नमक होता है वो लीजिए। आप इसको मिक्सर में पीसोगे तो भी चलता है, या आपके पास में मोटर एंड पेसल है और उसमें आपने कूट लिया तो भी चलेगा। हल्का सा टमाटर सिर्फ सॉफ्ट करना है। तो अब ये सॉफ्ट हो गया है, हम इसको भी ले लेते हैं। लास्ट में हम ये मूंगफली भी सेक लेंगे। और आपने डायरेक्ट अगर सेकी भी मूंगफली ली तो फिर आपको खाली गरम करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। मूंगफली भी हो गई है, अब हम इसको ले लेते हैं। आप भले इसको कूटिए या आप भले इसमें मिक्सर में करिए, आपको इसको दरदरा पीसना है। तो ये जो सारी चीजें थी हमारी, इनमें अब मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा खड़ा नमक, बिकॉज हम जब इसको कूटते हैं तो खड़ा नमक जो है वो बहुत अच्छा जाता है, बहुत हेल्प करता है। तो हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा खड़ा नमक। और अब इसको हम लोग या तो कूट लेंगे या मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। तो या तो आप इसको कूट लीजिए या फिर आप मिक्सर में इसको दरदरा पीस लो, दैट इज ऑन द पल्स मोड। सो ये हमने दरदरा कूट लिया। आइए इसको थोड़ा सा सौते कर देते हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। 3 से 4 दिन आप आराम से इसको यूज कर पाओगे। सो पैन में थोड़ा सा तेल लिया है, आप घी भी ले सकते हो, और हम इसको सौते करेंगे। ये देखिए अच्छे से सौते हो गया। अब इसको हम सील करके रख लेंगे। आप इसको फ्रिज में रखिए, 4 दिन तो ये आराम से रहता है।